कोविड और कोरोना वायरस की इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या है और किसे सतर्क रहना चाहिए। कोविड के मायने हैं कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस एक जो आम फ्लू बोलते हैं उसी प्रजाति का एक वायरस है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से सीरियस होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्लू वायरस जो होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जिस तरह कोई आम फ्लू होता है जिसे कमजोरी, थोड़ा बहुत फीवर, सर्दी, जुकाम, छींकना, 80% लोगों में आपको यही लक्षण दिखेंगे। केवल 20% लोगों में इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन होना। और ये जब होता है तो इसके साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, थोड़ा सा खांसी, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब ये सिम्टम आए तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या ये बहुत डेंजरस है? जी नहीं, जितना कि लोगों के मन में इसने दहशत फैलाई है उतना खतरनाक नहीं है। केवल अभी तक जो डेटा है उससे लगता है कि 3-5% इसमें मोर्टालिटी डेटा है, और खास करके कुछ सबसेट्स हैं जिनमें ये रिस्क ज़्यादा है, जैसे जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर है, जिनमें डायबिटीज़ हैं, जो एल्डरली हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो या बाईपास सर्जरी हुआ हो, ऐसे लोगों में देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस सबसेट में हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको लक्षण जान लेना चाहिए। दूसरी बात, सेल्फ प्रिकॉशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहला, नमस्ते, हैंडशेक मत करिए। दूसरी बात, जो हैंड है इसको ऑब्सेसिवली आपको क्लीन करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही रहना चाहिए। आप अगर सोप वाटर से भी करेंगे तो ये काफी इफेक्टिव, लेकिन तरीका सही होना चाहिए आपका हैंड वॉश का। इसलिए बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको हैंड वॉश करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सोशल एटिकेट, जैसे छींकना। जब हम छींकते हैं तो कई गुना मात्रा में जो ड्रॉपलेट्स हैं सतह पर गिरते हैं, और इस सतह को टच करने से है ये इन्फेक्शन फैलता है, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। तो आप या तो टिश्यू पेपर में छींके और उसको ठीक से डिस्पोज करें, या तो फिर अपनी एल्बो लेकर कोहनी में छींके ताकि आपके हाथ पर ये ड्रॉपलेट्स ना गिरे। तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सोशल आइसोलेशन। ये ऐसा वक्त है जब हमें सतर्क रहना है, जिम्मेदार बनना है। तो एज एन इंडिविजुअल जहां तक हो सके आप अनवांटेड ट्रैवल, अनवांटेड कॉन्टैक्ट, अनवांटेड विजिटर्स, इसको अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा जरूरी है ये।